हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर, जहां आज मैं आपको बताऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में होने वाला मैच, जो कि चेन्नई के होम ग्राउंड पुणे में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें ये दोनों टीमों की आपस में रिकॉर्ड की, तो ये दोनों टीमें आपस में 20 मरतबा टकराई हैं, जिसमें से 13 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की और 7 बार आरसीबी ने। और अगर बात करें ये दोनों टीमें आपस लास्ट 5 मैचों में टकराई हैं, तो 5 मरतबा चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज की है और आरसीबी ने एक भी मैच नहीं जीता। तो ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चेन्नई हमेशा डोमिनेट करती है आरसीबी पे। तो देखना होगा कि कल का मैच कैसा होता है। हालांकि आरसीबी चाहेगी कि वो मैच जीतकर और पॉइंट्स टेबल में और ऊपर आए, क्योंकि आरसीबी ने 8 मैचों में 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बनी हुई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैच में 6 मैच जीतकर सेकेंड पोजिशन पर बनी हुई है। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा कल आज। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अगर पिच कंडीशन की बात करें तो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, जहां पे तकरीबन 185 का स्कोर बनेगा फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में भी 185-90 के करीब। तो ओवरऑल एक बैटिंग पिच आपको देखने को मिल सकता है, एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमें लेकर उतर सकती हैं, क्या चेंजिंग हो सकती है दोनों टीमों में, उसके बारे में बात करते हैं। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो जैसे कि हम बता दें, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्विंटन डिकॉक, जो कि वो नहीं खेलेंगे और साउथ अफ्रीका वापस लौट गए हैं कुछ शादी वगैरह वेडिंग अटेंड करने के लिए, तो इस वजह से अवेलेबल नहीं रहेंगे इस मैच के लिए क्विंटन डिकॉक। तो आप उन्हें अपनी टीम में ना रखें, तो उनकी जगह पे पार्थिव पटेल का खेलना लगभग तय है और उन्होंने नेट में काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है कीपिंग का। तो हो सकता है मनन वोहरा को बैठा कर पार्थिव पटेल से कीपिंग कराया जाए और ओपन भी करें, और हो सकता है कि ब्रेंडन मैकलम या एबी ड्यूलर्स में से कोई कीपिंग करे, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि ये दोनों में से कोई कीपिंग करेगा। तो इसलिए जो 75% चांस है कि पार्थिव पटेल ही कीपिंग करेंगे और वो मनन वोहरा की जगह पे आएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की वाला बात है कि वोहरा ने पिछले इनिंग में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, तकरीबन 45 स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी पार्थिव पटेल का खेलने का चांस ज़्यादा है। उसके बाद ब्रेंडन मैकलम, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जो कि पिछले 2 मैचों से बीमार थे, वायरल फीवर हो गया था और फिट नहीं थे, नहीं खेल रहे थे, लेकिन वो 100% फिट हो गए हैं और आज का मैच खेलेंगे। फिर मनदीप सिंह, कॉलिन डी ग्रांडम, वाशिंगटन सुंदर, टीम साउदी, मोहम्मद सिराज, चहल और उमेश यादव। तो ये प्लेइंग 11 जो कि विराट कोहली लेकर उतरना चाहेंगे। सिर्फ एक बाकी 10 प्लेयर बिल्कुल सेफ हैं, वहीं मनन वोहरा और पार्थिव पटेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि पार्थिव पटेल ही खेलेंगे। वहीं अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की, तो सेन वॉटसन ओपन करेंगे, फिर फैफ डुप्लेसिस, अंबाती राइडू, सुरेश रैना, धोनी, जडेजा, हरभजन सिंह, एल एनगिडी, करण शर्मा और के एम आसिफ जो कि पिछले मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए थे, लेकिन हो सकता है उनको सरदुल ठाकुर की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। तो के एम आसिफ की जगह पर ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक चेंजिंग हो सकती है, लेकिन धोनी चाहेंगे कि सेम प्लेइंग 11, क्योंकि वो यूथ हैं, यंगस्टर हैं, तो हो सकता है एक और मौका मिले। तो ये थोड़े से रिस्की हैं, के एम आसिफ एक जो कि थोड़े से रिस्की हैं, आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 जो कि महेंद्र सिंह धोनी लेकर उतर सकते हैं। वहीं अब फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 की ड्रीम 11 टीम में। मैंने ऑलरेडी टीम बना रखा है। तो अगर विकेट कीपर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो डिकॉक जो कि अवेलेबल नहीं है अभी भी, इनको तकरीबन 26% लोगों ने रखा है। तो आप अगर रखें तो आप उन्हें हटा दें, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं रहेंगे और आज का मैच नहीं खेलेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही बचता है, वो महेंद्र सिंह धोनी, तो आप इनके साथ जाएँ। और पार्थिव पटेल, आप इनके साथ ग्रैंड लीग में जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ 1% लोगों ने रखा है, तो आप
पार्थिव पटेल के साथ जा सकते हैं ग्रैंड लीग में, और वरना MS धोनी जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, तो आप सबसे सेफ चॉइस MS धोनी है, तो आप इनके साथ जाएं। वहीं अगर बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली, AB डिविलियर्स फिट हो गए हैं तो 100% खेलेंगे। सुरेश रैना, आप इनके साथ जा सकते हैं अगर क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हैं तो। फिर अंबती रायडू, फैफ डुप्लेसिस, ब्रेंडन मैकलम, मनदीप सिंह, वोरा थोड़े से रिस्की हैं, आप इनको स्किप कर दें। तो ये बैट्समैन में ऑप्शन है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रखना चाहें तो ब्रावो को रख सकते हैं क्रेडिट अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो। फिर वाशिंगटन सुंदर और कॉलिन डी ग्रैंडम और जडेजा, ये ऑप्शन है आपके पास। अब तो मैंने कॉलिन डी ग्रैंडम और शेन वॉटसन के साथ जा रहा हूँ। वहीं बॉलर्स की बात करें तो उमेश यादव काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप इनके साथ जाएं अगर क्रेडिट मैनेज कर पा रहे हैं तो। टीम सऊदी, चहल और मोहम्मद सिराज एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। हरभजन सिंह को मैंने रखा है क्रेडिट, जैसे कि इनका 8 है सिर्फ तो ये आ सकते थे तो मैंने इन्हें रखा है। वहीं लुंगी नगीडी को, तो ये मेरे चार बॉलर हैं, LN गिडी, हरभजन सिंह, युजवेंद्र चहल और टीम सऊदी। फ्रेंड्स कैप्टन की बात करें तो मैं कैप्टन AB डिविलियर्स को बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन विराट कोहली को। जैसे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे चॉइस हैं, आप MS धोनी के साथ जा सकते हैं, अंबती रायडू, ब्रेंडन मैकलम, सुरेश रैना, शेन वॉटसन, चहल, टीम सऊदी, या बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिन्हें चाहें उन्हें कैप्टन और या वाइस कैप्टन बना दें। फ्रेंड्स आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। MS धोनी, विराट कोहली, AB डिविलियर्स, अंबती रायडू, ब्रेंडन मैकलम, शेन वॉटसन, कॉलिन डी ग्रैंडम, युजवेंद्र चहल, LN गिडी, हरभजन सिंह और टीम सऊदी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।